किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ पनीर की भुर्जी। तो चलिए देखते हैं ये पनीर की भुर्जी मैं कैसे बनाने वाली हूँ। पनीर की भुर्जी बनाने के लिए मैंने ये पनीर लिया है। ये तकरीबन 200 ग्राम पनीर है। मैंने इसे 1 लीटर फुल क्रीम दूध से बनाया है। बहुत ही बढ़िया पनीर है ये, देखिए बिल्कुल सूखा पनीर है ये। इसको हम हाथों से इस तरह से तोड़कर थोड़ा सा बारीक कर लेंगे। इसके अलावा मैंने यहाँ 2 प्याज काट कर रखे हैं। इनको बहुत ज़्यादा बारीक नहीं काटना है, थोड़ा सा मोटा काटना है। और ये 2 टमाटर का मैंने यहाँ प्यूरे बना कर रखा है। इसके अलावा ये लहसुन की कलियाँ हैं, ये ऑप्शनल है, अगर आप पसंद करते हैं तो डाल सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा पनीर की भुर्जी में ये लहसुन डालती हूँ। और 2 हरी मिर्च है मेरे पास, और ये थोड़ा सा धनिया है। इसके अलावा मैंने यहाँ पर 1/2 कप दूध लिया है। तो चलिए पनीर बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले 1 कढ़ाई में थोड़ा देसी घी डालेंगे। ये मैंने घी डाल दिया इसमें। जैसे ही घी थोड़ा हल्का गर्म हुआ है, मैंने इसमें ये प्याज डाल दिया है। इसको मिलाते हुए हल्का गुलाबी होने तक हमें इसे भूनना है। साथ ही इसमें हम लहसुन डाल देंगे। लहसुन को भी मैंने मोटा मोटा चॉप कर लिया है। ये पनीर की भुर्जी पंजाबी स्टाइल में बन रही है, तो इसमें लहसुन डालना तो बनता है। अब इसे धीरे धीरे हम भून लेते हैं। ये थोड़ा सा नमक इन प्याजों में डाल देते हैं, ताकि ये हमारे जो प्याज हैं ये जल्दी से पक जाएं। ये प्याज हमें बहुत ज़्यादा लाल नहीं करने हैं, इसीलिए मैंने ये नमक डाल दिया है, ताकि ये नरम होके अच्छे से घुल जाएं। ये प्याज हल्का गुलाबी हो गया है। अब हम सबसे पहले इसमें लाल मिर्च डाल देंगे। इसको हिलाएंगे। ये लाल मिर्च मैंने इसके अंदर टमाटर डालने से पहले डाली है, क्योंकि घी में इसका रंग बहुत अच्छा आ जाएगा। अगर हम टमाटर डालने के बाद इसमें लाल मिर्च डालेंगे तो हमारी सब्ज़ी का रंग थोड़ा पीला पीला हो जाएगा, उतना बढ़िया नहीं आएगा। ये देखिए कितना सुंदर कलर आया है। अब इस प्याज और टमाटर को हम थोड़ा सा भून लेते हैं, ताकि इसका जो पानी है वो सूख जाए और टमाटर जो है अच्छे से पक जाए। साथ में हम इसमें हल्दी डाल देते हैं। हल्दी इसमें बहुत थोड़ी डालनी है, ज़्यादा डालेंगे तो इसका रंग बहुत ज़्यादा पीला हो जाएगा, सब्ज़ी अच्छी नहीं दिखेगी। अब इसको भून लेते हैं थोड़ा। टमाटर भून चुके हैं, थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल देते हैं। अब ये हरी मिर्च डाल देते हैं। इन्हें मैंने रफली चॉप किया है, ये थोड़ी मोटी है कटी हुई। अब ये इसको थोड़ा सा भून लेते हैं। अब इसमें ये मैश किया हुआ पनीर डाल देते हैं। कुछ लोग पनीर की भुर्जी में मटर डालना भी पसंद करते हैं। अगर आपको इसमें मटर डालना हो तो मटर, हरे मटर को पहले से थोड़ा बॉईल कर लें, और जैसे ही हम इसमें टमाटर डालें तो आप मटर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं ये भुर्जी बिना मटर के ही बनाती हूँ। अब इसको बिल्कुल धीमी धीमी आंच पर पकने देते हैं। ये मैंने हरे धनिए की डंडियों को बारीक बारीक काटा है, वो भी इसमें डाल देंगे। पनीर की भुर्जी बहुत अच्छे से पक रही है। अब हम इसमें थोड़ा सा दूध डाल देंगे, क्योंकि हमारा पनीर बिल्कुल सूखा था, तो अगर हम इसमें दूध नहीं ऐड करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा सख्त हो जाएगा।
तो जो कि खाने में उतना अच्छा नहीं लगेगा। ये दूध डालने के बाद अब हम इसको ढक देंगे और धीमी धीमी आंच पर पकने देंगे, जब तक कि ये जो इसकी जो हल्का सा पानी दूध है वो स्टिकी सा ना हो जाए। दूध डालने के बाद देखिए इस दूध को पनीर ने सोख लिया है और ये बहुत ही मुलायम हो गया है। ये हमारा पनीर तैयार होने को है। ये हमारी पनीर की भुर्जी बिल्कुल तैयार है। अब इस भुर्जी में थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे और इसको हम सर्व करेंगे। इस पनीर की भुर्जी को गर्मा गर्म रोटी के साथ परोसें और एंजॉय करें। मेरे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें।